गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमिर सुहेल एंड टुडे इज 4th September एंड द डे इज फ्राइडे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कम में खरीदे और ज्यादा में सेल करें, मींस सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हुआ, ग्रेटर हुआ कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट मींस क्या है कि हम लोग कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में उसको सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा? प्रॉफिट। और इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा? लॉस होगा आपका, क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं ज्यादा में और सेल कर रहे हैं कम में, तो लॉस तो होना ही होना है, तो क्या होगा? लॉस। तो अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये ग्रेटर है। अब लॉस का क्या होगा? ये ग्रेटर है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाय सीपी। आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला यह होगा लॉस इंटू 100 बाय सीपी। आपको लॉस फाइंड करना होगा, लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा? पहले प्रॉफिट। क्लियर?